भाई साहब एक नंबर। आप लोग जो है ना बस इसका साउंड नोट करो, इतना ज्यादा बेसी साउंड है ना भाई इस बाइक का, मैं मतलब क्या ही बताऊँ आपको। एक जींस हम लोगों को पसंद आया है ये देखो। धीरे धीरे भाई हम कोशिश करेंगे जहाँ जहाँ पर भी हमारे सब्सक्राइबर है बिहार के अंदर में वो सबसे जाकर मिले हम। तो इस रूट पे जो भी मेरे सब्सक्राइबर है अगर मिलना चाहते हैं रिटर्न के वक्त में तो भाई एक लाइन बोलना चाहेंगे हेटर्स के लिए, गौर फरमाइएगा। तो यार फिर एक नया दिन और फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। तो भाई आजकल जो है अपना वीडियो का शेड्यूल काफ़ी एकदम टाइम पे हो गया है, हफ्ते के दो तीन वीडियो तो मतलब आ ही रहा है चैनल पे और रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है, काम करने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, लोग अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं तो मतलब दिल से खुद में मोटिवेशन भी मिलता है। कमेंट पढ़ के ना भाई मतलब और भी ज़्यादा काम करने का हिम्मत मिलता है और मतलब काफ़ी दूर दूर से भी लोग जुड़ रहे हैं। मैं कमेंट पढ़ता हूँ, सभी का कमेंट पढ़ता हूँ ऐसा नहीं है, काफ़ी दूर दूर से भी लोग जुड़ रहे हैं, लाइक मतलब हमारे बिहार से तो मैक्सिमम जगह से लोग जुड़ रहे हैं अपने चैनल पे। और मेरा मोटिव यही है कि भाई सबसे पहले ये चैनल जो है ना अपने बिहार के अंदर में काफ़ी ग्रो हो जाए, क्योंकि सबसे पहले भाई मुझे पूरा बिहार को कवर करना है। जब हमारे चैनल पे उस लेवल का ऑडियंस हो जाएगा ना भाई तो फिर बिहार को एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से, और बिहार में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको दिखाना है, बिहार को अच्छे से प्रमोट करना है। इस छोटे से शहर से मैं कोशिश करता हूं भाई कि अच्छे अच्छे कंटेंट लाकर आप लोगों को दिखाने का, मेरे से जितना पॉसिबल हो पाता है हम मतलब आप लोगों के लिए वीडियो लाते हैं। तो फिलहाल अभी जा रहे हैं डॉक्टर साहब के पास, उनका फ़ोन आया था और मिलते हैं डायरेक्ट आपसे वहीं पर। ये रही डॉक्टर साहब की निंजा 400 भाई, तबाही गाड़ी है ये, 400 सीसी के सेगमेंट में ना भाई इससे ज़्यादा पावरफुल बाइक कोई भी नहीं है इंडिया में। ये तुम क्या पहन रखा है भाई, हाफ पेंट? अरे भाई कंफर्ट लग रहा है। हाँ हाँ गर्मी भी काफ़ी तेज़ है भाई। तो फिलहाल अभी जा रहे हैं भाई डॉक्टर साहब अपने गाड़ी को वॉश करवाने के लिए, बाइक को गंदा होते हुए नहीं देख सकते, हालांकि बाइक जितना गंदा होना भाई देखने में ज़्यादा उतना अच्छा लगता है, राइडिंग के सेंस से अगर देखा जाए तो लगता है कि कहीं दूर से आ रहे हैं। और आज हो गया है भाई 27 तारीख, 30 तारीख को मुझे फिर से भागलपुर जाना पड़ेगा भाई, आप लोगों को पता है कि मेरा 30 तारीख को फिर से एग्जाम है भागलपुर में। इस बार हम लोग जा रहे हैं पूर्णिया होके, पूर्णिया कुर्सेला नौकसिया होते हुए जाएंगे। तो इस रूट में हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं जाने वक्त तो नहीं लेकिन आने वक्त में तो भाई बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि जाने वक्त में मुझे जल्दी से वहाँ पर रिपोर्टिंग करना है 10 बजे पहुँच कर। तो हम लोगों को यहाँ से मतलब मॉर्निंग में ही निकलना पड़ेगा 5 बजे सुबह, और जल्दी जल्दी पहले पहुँचना होगा, उधर से रिटर्न होने वक्त में भाई हम सब लोगों से मिलेंगे। और आप लोग मेरे स्टोरी पे अपडेट रहना, इंस्टाग्राम के स्टोरी पे, मैं जहाँ भी जाऊँगा जहाँ भी रुकूँगा भाई स्टोरी में सबसे पहले लगाऊँगा। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं जाकर फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो मेरे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर फॉलो कर लो। धीरे धीरे भाई हम कोशिश करेंगे जहाँ जहाँ पर भी हमारे सब्सक्राइबर है बिहार के अंदर में वो सबसे जाकर मिले हम। हमारे जिला से भी काफ़ी लोग मैसेज कर रहे थे कि भैया अररिया आइए, तो अररिया भी भाई रिटर्न होने वक्त में भाई अररिया में भी मिलेंगे सबसे, जो लोग अररिया से हैं भाई। ये बंदा इतना ज़बरदस्त बाइक धोता है ना, ये बोल नहीं पाता है लेकिन बाइक एक नंबर होता है। और मोस्टली हम लोग बाइक अपना वॉश जो है ना यहीं से करवाते हैं। के बाद ना भाई मतलब जो बाइक साइन करता है ना आप देख सकते हैं, हालांकि इस पे जो है डिटेलिंग किया हुआ है तो कुछ ज्यादा ही साइन है, और वॉश करने के बाद तो मतलब और ज्यादा साइन करने लगता है। और क्या हाल है? फिलहाल अपनी बाइक जो है यहीं पे खड़ा करके जा रहे हैं हम। वो भाई आप लोग जो है ना बस इसका साउंड नोट करो, हालांकि 4 सिलेंडर की तरह आवाज़ नहीं है लेकिन ये भाई डबल सिलेंडर बाइक है, इतना ज़्यादा बेसी साउंड है ना भाई इस बाइक का, मैं मतलब क्या ही बताऊँ आपको। मतलब इस बाइक को चलाने के बाद ना भाई मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकलता, इसका बस साउंड ही सुनने का मन करता है मुझे, बस आप लोग साउंड सुनो इस बाइक का।
हालांकि फुल सिस्टम एग्जॉस्ट नहीं लगा हुआ है इसमें, कैटेलिक कन्वर्टर जो है ना भाई वो नीचे लगा हुआ है, फुल सिस्टम एग्जॉस्ट नहीं है, फिर भी इतना ज़्यादा लाउड है इसका साउंड। बच्चों का जो रिएक्शन है ना भाई इस बाइक पे बहुत ज़बरदस्त वाला मिलता है। एक लाइन बोलना चाहेंगे हेटर्स के लिए, गौर फरमाइएगा, चार चवन्नी घोड़े पे हेटर्स मेरे। वीडियो बनाते बनाते भाई शाम हो गया है, और शाम होते ही भाई गोपरों को मोतिया बीन कर लेता है। शाम का टाइम जो होता है ना वो होता है हम लोग का घूमने का टाइम। तो अभी आए हैं कैफे भोगचा, भोगचा कैफे भाई ना, मतलब भाई का कैफे है, और ये चंचल भैया कैफे है। ये देखो घी मारे भैया, ये देखो भाई, ये देखो भाई आ गया लिट्टी चोखा, घी में एकदम डबाडब है एकदम। ये देखो मतलब काफी डिलीशियस लग रहा है, इसको भी जल्दी से इसको निपटा देते हैं हम लोग। लिट्टी हम लोगों ने खा लिया है, और लिट्टी क्या जबरदस्त वाला लिट्टी था भाई, मतलब कैसा लगा खा के? बहुत अच्छा। फिलहाल अब हम लोग चाय पीने वाले हैं, चाय भी मतलब एकदम अलग ही तरीके से बनता है यहाँ पे। ये देखो भाई, ये केसर, मतलब ये केसर वाला चाय है भैया, ये नॉर्मल चाय, ये नॉर्मल चाय भी केसर डालते हैं, नॉर्मल चाय में भी केसर डालते हैं भाई साहब, एक नंबर। देखो आराम से भैया, आराम से उछाल उछाल की चाय बन रहा है। डॉक्टर साहब चाय तो पूरा उछाल उछाल के बना रहे भैया। भाई चाय में आग मारने वाले भैया एकदम बटर के साथ। भाई ये रहा चाय, मतलब बटर वाला चाय है भाई, जितने बेहतरीन तरीके से भैया चाय बनाया है ना उतना ही ज्यादा बेहतरीन चाय भी लग रहा है पीने में। और डॉक्टर साहब बताएंगे चाय कैसा लगा? चाय तो भाई एक नंबर चाय, एक नंबर भैया, थैंक यू सो मच इतना अच्छा चाय पिलाने के लिए। अभी डॉक्टर साहब के लिए भाई एक जींस हम लोगों को पसंद आया है, ये देखो, ये देखो, एक नंबर लगा कसम से कह रहे हैं। भाई जींस देखो यार, पीछे से एकदम मतलब कहानी खत्म है इसका। के लिए है जो बोलते हैं कि ये ऐसा कपड़ा दीजिए जो शहर में किसी के पास, स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए लाया गया जो बोलते हैं कि शहर में किसी के पास ऐसा नहीं हो, एकदम एक काम कीजिए भैया, ये सब बात विक्की भी बोलता है, इसी को दे दीजिए। ना ना मेरे में तो और सूट नहीं करेगा। विक्की हमारा अच्छा भाई है, ठीक है ना, और सब इनको फॉलो कीजिए, इनको सपोर्ट कीजिए, इनके चैनल को सपोर्ट कीजिए, हम लोग भी करते हैं। वी आर 38 राइडर। भाई साहब ऐसा बॉडी कहाँ से बनवाया तुम, कसम से बताओ, जबरदस्त बॉडी है तुम्हारा। लेकिन मेरा मित्र का ये हाथ मेरा अपना मुंह, बहुत बड़ा हाथ है भाई, बहुत बड़ा, कानून से भी लंबा हाथ है। अब भाई साहब काफी तीखा कर दिया मेरा वाला यार। तो भाई आजकल काफी वीडियो टाइम पे आ रहा है, कैसा वीडियो लगता है भाई कमेंट में लिख के जरूर बताओ। बाकी मैंने बताया कि भाई 30 तारीख को मतलब भागलपुर फिर से जाने वाले हैं, और भागलपुर जाएंगे तो भाई प्रॉपर राइड वीडियो होगा। इस बार का जो मेरा रूट है ना वो हम जाएंगे अररिया, पूर्णिया, कुर्सेला, नवगछिया होते हुए भागलपुर, और इससे पहले हम गए थे सरसी होते हुए, तो इस बार अनफॉर्चुनेटली वो वाला रूट लेके नहीं जाएंगे क्योंकि मुझे सवेरे यहाँ से निकलना है और भागलपुर मुझे 10 बजे से मतलब 10 बजे तक पहुँच जाना है सेंटर पे भाई, रिपोर्टिंग करना है मुझे 10 बजे, तो हम सुबह यहाँ से निकलेंगे, उधर से रिटर्न 1 बजे तक में हो जाएंगे। तो इस रूट पे जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं अगर मिलना चाहते हैं रिटर्न के वक्त में तो भाई मेरे इंस्टाग्राम पे आप अपडेट रहना, हम जहाँ भी पहुँचेंगे हम स्टोरी डाल देंगे। और चलो फिर आज का वीडियो बस यहीं तक था, कैसा लगा वीडियो भाई लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर देना, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, तो फिर बाय बाय।